एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हर मुझे है रेडी हो गए हैं, ये मेरी बेटी और रोनी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए पूजा के सारे सामान ले लेते हैं और हम लोग चलते हैं। तो जहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को जो है आगे वीडियो में दिखेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारा पूजा का सामान मैंने जो है निकाल के रख लिया है, ये मैं थैला में डालने जा रही हूँ और हम लोग फिर निकलेंगे। हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जो है निकल गए हैं। तो हम लोग जो है अब निकलने वाले हैं और बाइक से जा रहे हैं हम लोग। तो इसे कैरी बैग में मैंने केयर किया है। हम लोग जो है पहुंच गए हैं और गाड़ी खड़े करके जो है हम लोग आगे जा रहे हैं। और मेरी बिटिया रानी सो गई थी जो कि अब उठ गई है। सो हम लोग आए हैं तुरी धाम और ये यहाँ का शक्ति का फेमस धाम है जो कि शिव जी का धाम है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। आपको अंदर से दिखाऊंगी। यहाँ की जो स्पेशल बात है वो आप लोग देखिएगा। चलिए, यहाँ पे एक दो पुल बने हुए हैं, एक नीचे पुल है और एक ये ऊपर पुल है, क्योंकि बरसात में नदी का पानी जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है और ये पानी पूरा ऊपर आ जाता है, इसलिए दो पुल बनाए गए हैं यहाँ। सब निकल जाइए। यहाँ का अद्भुत नज़ारा जो कि चट्टान है, पूरा आप देख सकते हो, ये मंदिर है, यहाँ पे एक चट्टान है और वहाँ से जो है इस तरह से पानी की धार अपने आप आती है और बहती है पानी की धार अपने आप। और शिवलिंग जो है नीचे में है, कह रहे हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा। तो यहाँ पे भोले बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं जो है ये चट्टान से जो पानी बहती है, यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर यही यहाँ की खासियत है, इसलिए ये धाम जो है फेमस है। और क्योंकि इसी तरह से धार बहती है इसलिए इसका नाम जो है तुरी धाम पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पर रुद्राभिषेक की फिलहाल पूजा हो रही है, इस तरह से चारों साइड से यहाँ इसी तरह से और भी शिवलिंग रखे गए हैं। यहाँ पे नंदी बाबा जी भी इस तरह से स्वयं प्रकट हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इस नदी का स्वरूप है। और भी भगवान जो है यहाँ पे रखा गया है। इस तरह से पूजा करने के बाद जो है हमने प्रणाम किया और फिर और भी जगह है यहाँ पूजा करने के, तो वहाँ जा रहे हैं। ये अंजनी नंदन का मंदिर हमारे हनुमान जी का, और ये है हमारे हनुमान जी। तो ये पूजा कर लेने के बाद जो है हमारी लाडो रानी जय कर रही है भगवान जी का, और अब हम लोग और दूसरे साइड चलते हैं। तो हम लोग आ गए ऊपर साइड और ये है राम जी का मंदिर, बट गेट जो है बंद है यहाँ पे, तो बाहर से ही पूजा कर ली और यही थोड़ा सा आराम कर ले है बैठ के हम लोग। और ये बहुत सरबदमाशी कर रही है यहाँ, तो पूजा के सामान है उसे लेने के लिए। सुना
माता रानी का पूजन जो है हो गया है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले मंदिर चलते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं चारों साइड। तो आप तो ये ऊपर से नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा धाम है। अगर आप लोग शक्ति या शक्ति के आसपास हैं या बाहर से भी हैं अगर इस रूट में आते हैं तो एक बार यहाँ दर्शन के लिए जरूर आइएगा। बहुत ही अच्छा और अद्भुत नज़ारा है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति होती है। ऐसे तो हर पूजा पाठ में जाने के बाद मन को जो है शांति ही होती है। तो हमारी पूजा तो हो गई है, तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखते हैं प्रसाद वगैरह पा करके जो है हम लोग जो है घर के लिए निकलेंगे। नाश्ता वगैरह जैसे करके आए नहीं थे तो यही करने का सोचा है, देखते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो में जो है बहुत ब्लर सा हो रहा है और अजीब ही आ रहा है, देख सकते हो कैसा हो जा रहा है। उस साइड से ही धूप आ रही है इसलिए जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है। तो पानी वगैरह पीते हैं और भगवान जी को प्रणाम करके जो है हम लोग फिर निकलेंगे। पानी प्यास लगा हमको तो जो है बोरिंग से पानी निकाल के हम लोग पी रहे थे। फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रीज़र, लेकिन बहुत ठंडा था और ये बोल रहे हैं पीने लायक नहीं है। ये है यहाँ की नदी जो कि बहुत सुंदर सी नदी है, पानी अभी कम है, बाकी बाद और टाइम में मतलब बरसात के टाइम में है ना, के लिए बरसात ही है अभी, बट उतनी बरसात अभी नहीं आई है। और ये खा रही है प्रसाद और ये कर रही है नौटंकी। पूजा करने के बाद हम लोग बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और फिर जाएंगे। तो ये नाटक कर रही थी मेरे पास थी तो नहीं खा पा रही थी, अभी पापा के पास नौटंकी कर रही है जाके खाने का। आ जाइए। तो अब हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं, बाद में फोटो लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा रुके थे बट भीड़ बहुत ज़्यादा है और अब निकल गए हैं हम लोग पैदल अपनी गाड़ी तक जाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।